हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सुनूप। दोस्तों, मैंने मारा नाम का तमिल फिल्म देखा है अमेजॉन प्राइम पर। यह फिल्म ओरिजिनल मलयालम फिल्म चार्ली, जिसमें दुलकर सलमान लीड में थे, दुलकर सलमान और पार्वती, वो 2015 मलयालम फिल्म का तमिल रीमेक है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, आई एम सॉरी, दिस फिल्म इज अ बिलो एवरेज रीमेक, अ बिलो एवरेज तमिल वर्जन ऑफ द ओरिजिनल फिल्म चार्ली। इट्स अ वेरी पुअर वर्जन, अनबिलीवेबली पुअर वर्जन। यार, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, आप जब एक रीमेक बनाते हो, या हमेशा मैं कहता हूं, आप रीमेक वैसे का वैसे ही बनाओ जैसे ओरिजिनल था। यार, सिंपल सा बात है, अगर कोई शेफ एक डिश बनाता है, एक ओरिजिनल डिश बनाता है, जिसमें वो सोच समझ के मसाला डाल के परफेक्ट वे में बना के उसको प्रस्तुत करता है, आप जब खाते हो तो मजा आता है, मुंह के अंदर जो स्वाद मिलता है आपको वह मजेदार होता है। लेकिन वही सेम डिश को अगर दूसरा शेफ लेता है और ये ओरिजिनल मसाले के साथ वो नया शेफ अपना खुद का एक्स्ट्रा मसाला डालता है, तो आप सोचो वो डिश का क्या हाल बनेगा, तहस महस हो जाएगा ना यार। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद मारा। यार, द वे द फिल्म बिगिंस, द फर्स्ट 10 मिनट्स इज प्योर वेस्ट ऑफ टाइम। वो सीन का जरूरत ही नहीं था। पहला 10 मिनट टाइम वेस्ट, और उसके बाद श्रद्धा श्रीनाथ, हु प्लेस पार्वती इन दिस फिल्म द तमिल वर्जन, When she enters that house, यार ओरिजिनल में पार्वती जब वो घर में एंट्री मारती है, एक स्कैरी एटमॉस्फियर है। देयर इज दिस ईरी फीलिंग, द वे शी इज ग्रीटेड बाय दोस पपेट्स एंड दिस एंड दैट, इट रियली क्रिएट्स दैट हॉरर फीलिंग यार, दैट गोस मिसिंग इन दिस फिल्म। फिर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो लोग जाते हैं मिसिंग, और उसके बाद सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मैं आपको बताता हूं, वेन माधवन द वे ही एंटर्स, उनका वो पहला इंट्रोडक्टरी शॉट, यार ही लुक्स सो डिसइंटरेस्टेड, ही लुक्स मिडिल एज, ही लुक्स ओल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो डायनामिक क्वालिटी जो होना चाहिए था, वो मैग्नेटिज्म, वो हिप्नोटिज्म जो दुलकर सलमान में था। यार, यू सी चार्ली, दुलकर सलमान जिस तरह से दिख रहे थे उसमें, और जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग किया, वो देख के ना आप मंत्रमुग्ध हो जाते थे यार। एंड दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ फीलिंग दैट ही इवोक्ड अमंग कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स इन द फिल्म एज वेल। दैट वॉज हिज एंटायर रोल, ही वॉज full of charisma, he was full of dynamism, magnetism, hypnotism, people were just attracted to him because of his behavioral pattern. That goes missing in Madhavan's character here, and Madhavan's whole personality is very laid back, very lazy, dialogue delivery mein kuch attractive cheez nahi, kuch nahi yaar. This is a different Madhavan, someone that is not even suited to play this role here. बिकॉज जो दुलकर सलमान ने किया था, आई एम सॉरी, आई डोंट लाइक कंपेयरिंग दुलकर सलमान विद माधवन, बिकॉज माधवन इज वे टू सीनियर। बट यार, दुलकर सलमान ने जो उसमें किया था, जिस तरह का जो एक्टिंग शैली लाना था यार, माधवन समवेयर डाउन द लाइन कुडंट ब्रिंग दैट। इट वॉज वेरी लेट बैक, वेरी लेजी यार, ठीक है चल रहा है चलने दो यार, कुछ मजा नहीं। एंड फॉर मी द फिल्म जस्ट कोलैप्स्ड व्हेन दैट रूफ वाला सीन हैपेंड। सबसे पहली बात तो वो जो एक्टर, आप मलयालम का वो एक्टर देखो, सोबिन को, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर यार। इसमें जो तमिल में जो एक्टर आया है यार, आई एम सॉरी बट मजा नहीं आया उनको देख के, वो एक्टिंग उनका। एंड प्लस टॉकिंग अबाउट द कोलैप्स, वो जो रूफ वाला सीन है ना, वो रूफ ऐसा हटाता है यार। ओरिजिनल में आप देखो, दुलकर सलमान और सोबिन क्या देखता है नीचे, किसी को नहीं मालूम है। इट इज रिवील्ड लेटर इन द फिल्म, बट मारा में इट इज रिवील्ड राइट देन एंड देयर। द फिल्म जस्ट गॉट डिसमेंटल्ड। दैट इज वेरी बैड स्क्रीन प्ले राइटिंग। You have destroyed the original film by adding on elements according to your creativity, which doesn't make sense at all. उसके बाद फिल्म में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ भी ना, कैरेक्टर्स में मजा ना एक्टिंग में मजा, कुछ नहीं यार। श्रद्धा और माधवन का भी केमिस्ट्री वेरी ओकेश। फॉर मी द कास्टिंग नंबर वन वॉज वेरी इनअप्रोप्रिएट। इन प्लेस ऑफ माधवन दे शुड हैव कास्ट अ यंगर एक्टर, एज अप्रोप्रिएट एक्टर, जिसका एज दुलकर से मैच हो, वो 5 साल पहले वाले दुलकर से। 2015 का फिल्म है, अभी तो 6 साल हो गया। तो सबसे पहला तो राइट एक्टर को आप कास्ट करते हैं। माधवन, आई एम सॉरी, लेट मी रीइटरेट इट, इज लुकिंग मिडिल एज एंड ओल्ड, नॉट सूटेड टू प्ले दिस रोल। और दूसरे एक्टर्स को भी आप यार, ऑफकोर्स मलयालम एक्टर्स को आप नहीं कर सकते हो रिप्लेस यार, बट सच ब्रिलियंट एक्टर्स दे हैड, दे शुडंट हैव मेड दिस यार, they shouldn't have made this। अब मैं क्या बोलूं दोस्तों, चार्ली जिस किसी ने भी देखा है यार, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री विथ दिस ओपिनियन, दिस रिव्यू ऑफ माइन। मारा वॉज अ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट। आई एम गोइंग विथ हाफ स्टार। आई जस्ट डोंट नो वॉट टू से।
नथिंग मोर टू से दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे मारा तो मुझे बताना आपका ओपिनियन क्या है। बट अगर आपको चार्ली देखना, आपने चार्ली नहीं देखा है तो एमएक्स प्लेयर पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो चार्ली। दुलकर सलमान एंड पार्वती इज मैजिक, व्हाट सेटिंग, व्हाट वाइब्रेंट एटमॉस्फियर, व्हाट एक्टिंग, व्हाट म्यूजिक, व्हाट बीजीएम, वो फाइनल क्लाइमैक्स शॉट ब्रिलियंट, दैट इज चार्ली फॉर यू। 4 out of 5 फॉर चार्ली, फॉर मारा हाफ 0.5 out of 5। मेरे ख्याल से शायद एमएक्स प्लेयर पे सबटाइटल्स अवेलेबल नहीं है चार्ली के लिए, बट फिर भी वो फिल्म इतना खूबसूरती से बनाया हुआ है, इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल है कि आपके मन को लुभाएगा इवन विदाउट सबटाइटल्स। द मैजिक ऑफ चार्ली विच यू विल विटनेस इन चार्ली इवन विदाउट सबटाइटल्स। अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो मैजिक एट ऑल इन मारा। मारा पूरा मर गया था, स्टार्टिंग से, एंड में भी, बीच में भी, डेड, फुल्ली डेड। वेरी डिसअपॉइंटेड यार, वेरी 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 डिसअपॉइंटेड। एनीवेज दोस्तों, टाइम फॉर मी टू से टाटा। आप लोग मुझे बताना आपका क्या टेक है। चलिए बाय, टाटा।